सोता हूँ। तो एसी का जो प्रयोग है 37 डिग्री से 18 में, तो आपको वह रोग का घर है। उसी तरह अगर 37 डिग्री से 58 डिग्री हो जाए, बहुत ज़्यादा तापमान हो जाए, तो सारा ब्रेन का जो केमिकल बैलेंस है वो सब पिघल जाएगा और हम लोग मौत में चले जाएंगे। तो प्रकृति अब एकदम संतुलन रखती है और उसमें भी यह इतना सुंदर क्लाइमेट हम लोगों के लिए रखा गया है कि यहाँ 6 ऋतु उपलब्ध है भारत में। ऐसा सौभाग्य यूरोपियन कंट्री को नहीं है। वहाँ तो टॉयलेट करता है तो वो टिश्यू पेपर का यूज करता है क्योंकि उसका वो जरूरत है। यूरोप में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंग्लैंड आदि में सबसे ज्यादा बजट इस पर खर्च होती है कि ठंड में इतनी बर्फ गिरेगी तो उस बर्फ को रोड से काट काट के हटाना है। मेरा भी सारू का बेटा सब विदेश में है, वह भी बताता है। और हर घर में एक पीछे छत के ऊपर 2 मंजिले 3 मंजिले के तरफ एक सीढ़ी निकास होता है। जब घर के आगे पूरा बर्फ गिर जाए तो किधर से निकलना है। तो यह दुर्भाग्य है उन लोगों का। और उनकी जो रहन सहन की शैली है वो उनके लिए जरूरत है, पानी नहीं है। और उसी का अगर हम लोग नकल करें, यह सौभाग्यशाली जिसमें 6 ऋतु है, तो यह हम लोगों के बुद्धि विवेक का तौहीन है। इसलिए संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, बी पॉजिटिव। प्रकृति विज्ञान को भी समझना है। मैं बीच में हमारे माननीय देवेंद्र जी आए थे, तुरंत आने के साथ उनको हम माइक नहीं पकड़ा सकते थे, इसलिए बीच में मैंने लिया और यह बात आपसे शेयर की। लेकिन वही परमहंस स्वामी सत्यानंद जी जब बिहार योग विद्यालय बन रहा था मुंगेर में, तो वह ईंट फुलाया जाता है, ईंट मराठी में ईंट को क्या जाता है, कहा जाता है वीट। मराठी भाषा में ईंट को वीट बोला जाता है। और वहाँ के भगवान विष्णु को वही, जब जहाँ पर भगवान विष्णु हैं और सब फोटो में देखिएगा शंख चक्र